हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेस। मैं जनक सिंह चौहान मनोज शर्मा के साथ आज आपके लिए लेकर आया हूं वर्ब, जो अपना टॉपिक चल रहा था उसका दूसरा भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे अदर टाइप्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब के अन्य प्रकार। पार्ट वन में अपन ने वर्ब के जो मुख्य प्रकार थे वो पढ़े थे, जिसमें मेन वर्ब और एक्शन वर्ब जो दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरीज जो दो प्रकार की थी, वो भी प्राइमरी ऑक्सिलरीज जिसमें बी डू और हैव टाइप की पढ़ी थी, और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरीज, वो मेन टाइप्स थे। इसके अलावा कुछ और प्रकार की वर्ब्स अंग्रेजी में अलग अलग प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होती है, तो आज इस वीडियो में अपन उसी को लेंगे। शुरू करते हैं अदर टाइप्स ऑफ वर्ब्स, अन्य प्रकार की क्रियाएं, जिसमें पहली है अपने लिंकिंग वर्ब। नाम से ये पता चलता है, लिंक, लिंक करना मतलब जोड़ना, संयोजक, संयोजन मतलब जोड़ना। लिंकिंग वर्ब जो जोड़ने का काम करती है। अब किसको जोड़ने का काम करती है? अ लिंकिंग वर्ब एड्स डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। जो लिंकिंग वर्ब होती है उसका काम क्या है? वो जो सब्जेक्ट होता है उस सेंटेंस का, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम लिंकिंग वर्ब का होता है। इट इज यूज टू कलेक्ट, कनेक्ट इट इज यूज टू कनेक्ट द सब्जेक्ट एंड द कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव और एडवर्ब द वर्ड दैट फॉलोज द लिंकिंग वर्ब्स। सब्जेक्ट को और उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ अलग से बताने वाले शब्द, जैसे कॉम्प्लीमेंट पूरक, मतलब उसकी बारे में, सब्जेक्ट के बारे में और पूरी कोई विशेषता बताए उसको पूरा करे जो, एडजेक्टिव हो उसकी विशेषता बताने वाले शब्द हो, या एडवर्ब हो। इन दोनों को, सब्जेक्ट को इन शब्दों से जोड़ने का कार्य जो वर्ब करती है वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। और लिंकिंग वर्ब के बाद ही आते हैं ये सब्जेक्ट, उसके पहले सब्जेक्ट होता है, लिंकिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, और लिंकिंग वर्ब के बाद में बाकी बचा हुआ भाग, जिसे प्रेडिकेट भी कहते हैं। तो प्रेडिकेट में क्या होगा? उस सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाला कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, या एडजेक्टिव होगा, या एडवर्ब होगा। अब वैसे अपन ने बी टाइप्स की वर्ब पढ़ी थी पिछले वाले वीडियो में, तो मुख्य रूप से वही होती है लिंकिंग वर्ब्स। बी टाइप्स की जो पांच हैं, इज, आर, एम प्रेजेंट टेंस में, और वॉज वर्ब पास्ट टेंस में। ये पांचों वर्ब ही जनरली लिंकिंग वर्ब मानी जाती है, परंतु इनके अलावा कुछ एक्शन मेन वर्ब्स हैं जो भी एज ए लिंकिंग वर्ब ही काम करती है। तो कुछ मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं, कुछ जो एक्शन वर्ब मेन वर्ब से जो लिंकिंग वर्ब की तरह क्या करती है, कार्य करती है, जैसे appear, seem, become, smell, sound, fail, remain, act, grow, test, stay, prove, look, turn, etc. ये वास्तव में तो मेन वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स हैं, लेकिन वाक्य में ये जो है लिंकिंग वर्ब, एज ए लिंकिंग वर्ब भी काम करती है, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। वैसे जो मुख्य लिंकिंग वर्ब्स हैं वो तो बी वर्ब्स ही है, जो पांच है अभी अपन ने बात करी थी, लेकिन इनके अलावा ये कुछ एक मेन वर्ब्स हैं जो भी एज ए लिंकिंग वर्ब काम करती है, जैसे कनिका इज ए स्ट्रॉन्ग गर्ल, कनिका एक जो है मजबूत लड़की है। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट है, कनिका के बारे में बात की जा रही है, ये सब्जेक्ट है, और उसी के बारे में आगे बताया जा रहा है
कि वो स्ट्रॉन्ग है, कमज़ोर नहीं है, मजबूत है, और इन दोनों को मिलाने का काम कर रही है इज, जो कि एक वर्ब है। अब ये इज दोनों को मिलाने का काम कर रही है, जोड़ने का, तो यह इज क्या है अपने इस वाक्य में, लिंकिंग वर्ब, बी टाइप की भी बोल सकते हैं, बी टाइप की होती है वो, तो बी टाइप की है, लिंकिंग वर्ब ये कहलाएगी अपने सब्जेक्ट को, और ये बाकी बचा हुआ प्रेडिकेट है उसको जोड़ने का काम कर रही है इज, तो इज यहां पर क्या है, लिंकिंग वर्ब है। एमजे वाज ए ग्रेट डांसर, माइकल जैक्सन, एमजे माइकल जैक्सन बहुत ही महान डांसर था, किसके बारे में बात हो रही है अपने, माइकल जैक्सन के बारे में सब्जेक्ट है, और उसी के बारे में आगे कुछ ऐड किया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है, क्या था वो, ग्रेट डांसर, उसी की विशेषता बताई जा रही है आगे, और उन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है यहां पर वाज, तो वाज क्या है कहलाएगी यहां पर, लिंकिंग वर्ब कहलाएगी, एंड कुल मिलाकर सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को, और प्रेडिकेट में या तो कॉम्प्लीमेंट होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, तो इन दोनों को जोड़ने का जो काम करती है वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। अब ये तो पांचों बी टाइप की थी, अब ये जो मेन वर्ब्स हैं कुछ एक्शन वर्ब्स, ये किस प्रकार से काम करती है, जैसे सी लुक्स सैड, अब इसका अर्थ निकाला जाए तो क्या है, वैसे वो उदास दिखाई दे रही है, उदास है वो, तो ऐसे अपन लिख सकते हैं, सी इज सैड इसका मतलब क्या है, वह दुखी है, इसका मतलब उसको देखने से लगा है, तो अपन यहां पर मेन वर्ब लुक का प्रयोग हुआ है। अब यहां पर ये एज ए लिंकिंग वर्ब है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि इसकी वह उसके बारे में बताया जा रहा आगे कैसी है, वो दुखी है, तो दोनों को जोड़ने का काम कर रही है, ये है तो एक्शन वर्ब मेन वर्ब, लेकिन एज ए लिंकिंग वर्ब काम कर रही है यहां पर, वास्तव में ये इस तरीके से हो सकता है, लेकिन देखने पर तो उस अर्थ में अपने लुक का प्रयोग किया है। दे बिकेम एंग्री, वे क्रोधित हो गए, वे उनके बारे में बताया जा रहा है क्या हो गए, क्रोधित, दोनों को जोड़ने के लिए वैसे अपन वर का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन किसी बात के बाद उनको क्या आ गया, गुस्सा, तो वो क्या हो गए, क्रोधित हो गए, तो उसके लिए अपन ने यहाँ काम में लिया है बिकम, बिकेम सेकंड फॉर्म, बिकम की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब एक्शन वर्ब होते हुए भी लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रही है। तो लिंकिंग वर्ब पांच है मुख्य, तो बी टाइप की जो भी है, इज आर एम वॉज वर्ब, लेकिन इसके अलावा ये कुछ वर्ब्स मेन वर्ब्स एक्शन वर्ब्स हैं जो भी वाक्य में एज ए लिंकिंग वर्ब काम करती है। ये था लिंकिंग वर्ब्स, इसके बाद आगे चलते हैं अदर टाइप्स में, दूसरा है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये वाक्य बनाना समझने के लिए और टेंस के समझने के लिए ये दोनों में अंतर समझ लेना बहुत जरूरी है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट क्या है और दोनों में क्या अंतर है, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, फाइनाइट वर्ब्स, द एक्शन मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स एंड लिंकिंग वर्ब्स, दे चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड द सब्जेक्ट नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। जो मेन वर्ब एक्शन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो या लिंकिंग वर्ब हो, तीनों जब टेंस के अनुसार या सब्जेक्ट के वचन और उसके पर्सन के अनुसार अपना रूप बदल लेती है तो वे क्या कहलाती है, फाइनाइट वर्ब्स बदलती है। सभी की अलग अलग फॉर्म होती है, अलग अलग टेंस में उसका रूप बदल जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे पीयूष प्लेज क्रिकेट, पीयूष क्रिकेट खेलता है, यह वर्ब आ रही है प्ले और इसमें एस जुड़ा हुआ है,
ये फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस वाला रूप है इसका। दे प्ले क्रिकेट, दूसरे वाक्य में भी वही मेन वर्ब एक्शन वर्ब है, लेकिन वहाँ रूप बदल गया उसका। क्यों, किसके अनुसार बदल गया? यहाँ पीयूष सिंगुलर नाउन थी इसलिए एस या एस जुड़ गया, यहाँ ये दे प्लूरल है इसलिए यहाँ एस या एस नहीं जुड़ेगा। यानी सब्जेक्ट के नंबर का वचन का फर्क पड़ गया तो उसका रूप बदल गया। फिर यहाँ रूप बदल गया, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया तो प्ले में आईएनजी जुड़ गया यहाँ, और उसके पहले वर और आ गया, यहाँ भी इसका रूप बदल गया टेंस के अनुसार, फिर प्ले का जो रूप बदल गया। और फिर आगे वी प्लेड क्रिकेट, फिर प्ले का रूप बदल कर प्लेड हो गया पास्ट सिंपल टेंस, टेंस के अनुसार फिर इसका रूप बदल गया। यानी टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के वचन और पर्सन के अनुसार जो भी हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, वो अपना रूप बदल लेती है तो वो सारी वर्ब्स क्या कहलाती है? फाइनाइट वर्ब्स कहलाती है। और यही रियल वर्ब्स, असली जो वास्तविक वर्ब जो क्रिया होती है वो यही होती है जो अपने आप को परिस्थिति के अनुसार बदल लेती है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स देखा अपने, जो वर्ब्स टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के वचन के और उसके पर्सन के अनुसार अपना रूप बदल लेती हैं वो कहलाती है फाइनाइट वर्ब्स, और रियल वर्ब्स वही होती है। दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट के उल्टे। कैसे? द वर्ब्स दैट डू नॉट वर्क एज वर्ब्स इन अ सेंटेंस Rather, they work as nouns, adjectives, adverbs are called non-finite verbs. वे verbs जो होती तो verbs हैं, लेकिन वाक्य में verbs की तरह काम नहीं करती है। इसकी बजाय verb होते हुए भी वो noun का, adjective का या एडवर्ब का काम करती है। वर्ब होने के बाद भी वो जो अपना मेन काम है वो नहीं करके दूसरा काम करती है, नाउन की तरह या एडजेक्टिव की तरह या एडवर्ब की तरह, तो वो सारी वर्ब्स क्या कहलाती है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाती है। दीज वर्ब्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ये जितनी भी हैं नॉन फाइनाइट्स, ये फाइनाइट वर्ब्स की तरह अपना रूप नहीं बदलती है, चाहे कोई सा भी टेंस हो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेती है, लेकिन ये अपना रूप कभी नहीं बदलती है फाइनाइट वर्ब्स की तरह। दीज आर आल्सो कॉल्ड वर्बल्स, इसलिए इनको वर्ब नहीं कह करके वर्बल्स नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि वास्तव में वर्ब का काम नहीं करती है, अन्य काम करती है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। अब ये चार प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से नॉन फाइनाइट्स। इन्फिनिटिव रूप में, जिसे अपन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, वाक्य में मेन वर्ब के अलावा होगा इनका प्रयोग। मेन वर्ब जो एक्शन वर्ब है वो अलग होगी, उनके अलावा एज ए वर्ब होगी, लेकिन वर्ब का काम नहीं करेंगे वहां पर। तो पहला रूप क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको इन्फिनिटिव कहा जाता है। दूसरा है जरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो एज ए नाउन या एडजेक्टिव काम करती है वो कहलाती है जरंड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी प्रयोग के द्वारा देखेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा इनमें डिफरेंस देखेंगे। और चौथा पास्ट पार्टिसिपल, जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो होती है पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। अब ये जो पार्टिसिपल है इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? पार्टिसिपल्स बिकम फाइनाइट वर्ब्स व्हेन दे टेक हेल्पिंग वर्ब्स बिफोर देम। फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट में अपने जो दो पार्टिसिपल पढ़े हैं ये
इन्फिनिटिव सॉरी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, परंतु यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ गई तो फिर ये नॉन फाइनाइट नहीं रहेंगी, ये क्या हो जाएंगी, फाइनाइट वर्ब्स हो जाएंगी। ये ध्यान रखना है अपने को अंतर। पार्टिसिपल में क्या ध्यान रखना है, इनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होनी चाहिए तब तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाएगी, लेकिन यदि इनके पहले कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल के और पास्ट पार्टिसिपल के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ गई तो फिर ये नॉन फाइनाइट नहीं होकर क्या हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब्स हो जाएंगी। रीडिंग न्यूज़पेपर इज ए गुड हैबिट, अखबार पढ़ना बहुत अच्छी आदत है, अखबार पढ़ना बहुत अच्छी आदत है। किसके बारे में बताया जा रहा है, अखबार पढ़ने के बारे में, न्यूज़पेपर पढ़ने के बारे में बताया जा रहा है। और न्यूज़पेपर पढ़ना क्या है उसी के बारे में और आगे बताया जा रहा है, अच्छी हैबिट है, गुड हैबिट है। तो इसकी विशेषता आगे बताई जा रही है, इसकी एडजेक्टिव के रूप में इसकी और विशेषता बताई जा रही है और दोनों का जोड़ने का काम कर रही है इज। तो ये लिंकिंग वर्ब है, अपन ने अभी अभी पढ़ा था। और लिंकिंग वर्ब में क्या पढ़ा था अपन ने, क्या करती है लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट को और बाकी बचे हुए वाक्य को जोड़ती है। तो सब्जेक्ट ये है भैया, तो यहाँ ये रीडिंग देखकर कंफ्यूजन अपने को नहीं होना चाहिए कि ये रीडिंग यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, ये क्या है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में और जरण में भी आपको ध्यान रखना है कि दोनों एक जैसे ही हैं, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो दोनों में अंतर कैसे करेंगे, दोनों में अंतर है, दोनों आएंगे तो वाक्य की शुरुआत में, लेकिन यदि आईएनजी फॉर्म के तुरंत बाद में नाउन हो, जैसे यह न्यूज़पेपर नाउन है तो ये क्या कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, एक किसके बारे में बताया जा रहा है, स्विमिंग के बारे में आगे कि स्विमिंग क्या है, गुड एक्सरसाइज है, वही विशेषता बताई जा रही है आगे, दोनों का जोड़ने का काम कर रहा है इज। तो इज यहाँ लिंकिंग वर्ब है, तो दोनों को जोड़ने का काम इज कर रहा है, तो इज तो यहाँ लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब किसको जोड़ता है, सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को, यानी ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट स्विम वर्ब है वैसे, लेकिन ये यहाँ वर्ब नहीं है, ये एज अ नाउन संज्ञा की तरह काम कर रहा है अपने, तो ये क्या कहलाएगा अपना, जरंड। अब जरंड कैसे कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होकर के जरंड, यदि इस फॉर्म के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो वो क्या कहलाएगा, जरंड, और यदि इसी आईएनजी फॉर्म के साथ नाउन आ रहा तो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये ध्यान रखना है आपको। दे वेंट टू स्कूल टू स्टडी, अब अगर यही फुल स्टॉप लगा देते तो भी अपना वाक्य कंप्लीट है, पूरा अर्थ दे रहा है, दे वेंट टू स्कूल, वे स्कूल गए, लेकिन आगे क्यों गए, ये इन्फिनिटिव के द्वारा बताया गया है। टू प्लस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है मेन वर्ब के अलावा, ये मेन वर्ब तो ये है अपनी एक्शन वर्ब, इसके अलावा टू प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वाक्य में वो कहलाती है इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव का वाक्य के अर्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ता यदि उसको हटा भी दिया जाए तो, जैसे ये अभी इसको हटा दो ये अपना कंप्लीट पूरा वाक्य है। तो वाक्य में मेन वर्ब के अलावा टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो क्या कहलाती है, इन्फिनिटिव कहलाती है। सी हैज ए टायर्ड फेस, उसका चेहरा थका हुआ है, मतलब थकान हो रही है, चेहरे से लग रहा है थकी हुई, तो चेहरा ही थका हुआ लग रहा है उसका, किस ये फेस के बारे में बात हो रही है और उसकी विशेषता बताई जा रही है टायर्ड के द्वारा। टायर्ड जो वास्तव में मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म है, लेकिन मेन वर्ब अपने यहाँ ये हैज, सी, और इसको जोड़ने का काम कर रही हैज। अब फेस की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है ये, विशेषता बता रहा है शब्द टायर्ड। अब विशेषता बताने वाला शब्द वास्तव में टायर है जो कि मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म के रूप में
आया है और अपना काम नहीं कर रहा वर्ब का, बल्कि एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो अपन ने शुरू में ही पढ़ा था कि जो वर्ब वर्ब का काम नहीं करके दूसरा काम करती है, जैसे नाउन का, एडजेक्टिव का या एडवर्ब आदि का, तो वो क्या कहलाती है? नॉन फाइनाइट्स। तो ये चारों रूप जो है, ये चारों रूप वर्ब के वर्ब का काम नहीं करके अन्य काम करते हैं, तो ये चारों रूप क्या कहलाते हैं? अपने नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, फ्रेजल वर्ब्स, संयुक्त क्रियाएं। फ्रेज से बना है फ्रेजल, फ्रेज फ्रेज होता है कुछ वाक्यों का, सॉरी कुछ शब्दों का समूह होता है जिसका कुछ सेंस होता है, वो कहलाता है फ्रेज। यानी यहाँ पर संयुक्त एक शब्द नहीं होगा, कुछ शब्द मिलकर एक वर्ब का निर्माण करेंगे। दीज आर आल्सो कॉल्ड कंपाउंड वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स को कंपाउंड वर्ब्स भी कहा जाता है। कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है या दो से अधिक मिलकर के। ए फ्रेजल वर्ब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, अ वर्ब प्लस अ प्रीपोजिशन और वर्ब प्लस एडवर्ब। फ्रेजल वर्ब कैसे बनती है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, कुछ शब्दों को मिलाकर। वो शब्द क्या क्या हो सकते हैं? एक वर्ब और वर्ब के साथ प्रीपोजिशन हो सकता है, या वर्ब और एडवर्ब दोनों मिलकर एक फ्रेजल वर्ब का निर्माण कर सकते हैं। अब जब इन दो शब्दों को मिलकर फ्रेजल वर्ब का निर्माण होगा तो क्या होगा? दैट व्हेन यूज्ड टुगेदर यूजुअली टेक ऑन ए डिफरेंट मीनिंग टू दैट ऑफ द ओरिजिनल वर्ब। अकेली उस वर्ब का जो वास्तव में अर्थ, जो वास्तव में असली अर्थ होता है, वो अर्थ नहीं होकर उसका अलग ही मीनिंग हो जाता है। अकेले वर्ब का अलग मीनिंग होता है, और वो ही वर्ब जब किसी प्रीपोजिशन के साथ मिल करके या किसी एडवर्ब के साथ मिल करके जब वो फ्रेजल वर्ब का निर्माण कर लेती है, तो उसका वास्तविक मीनिंग नहीं रख करके उसका बिल्कुल अलग मीनिंग हमारे सामने आता है, और बिल्कुल अलग अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है। A phrasal verb is used as a normal verb in a sentence. अब वो phrasal verb बन तो गई, वो अलग अर्थ भी हो गया उसका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस sentence में verb अलग आएगी फिर phrasal verb भी अलग आएगी, जैसे non-finite verb में होता था main verb अलग और वो verb अलग। यहाँ वैसा नहीं है, phrasal verb ही उस वाक्य में main verb का भी काम करेगी, नॉर्मल वर्ब की तरह काम करेगी वो वर्ब। कैसे देखे? आई पुट ऑन माई ग्लासेस एंड वेंट टू मार्केट। अब इसमें वर्ब आ रही है पुट। वैसे पुट का मतलब क्या होता है? रखना। अब ये पुट अकेली नहीं आ रही है, प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन दोनों मिलके एक नए फ्रेजल वर्ब का निर्माण कर रहे हैं, पुट ऑन। अब पुट का मतलब तो रखना होता है, पर अब यहां पुट ऑन जो फ्रेजल वर्ब बनी है इसका अलग अर्थ हो गया, इसका अर्थ हो गया पहनना। मैंने अपना चश्मा पहना और बाजार चला गया। यहां पर जो फ्रेजल वर्ब बनी है पुट वी फर्स्ट है और ऑन प्रीपोजिशन है, इन दोनों ने मिलके जो है फ्रेजल वर्ब का निर्माण किया है जिसका अर्थ है पहनना, पहनना। जबकि पुट का मतलब क्या होता है? रखना। लेकिन अभी अपन ने बात करी थी कि जब वर्ब कोई होती है किसी प्रीपोजिशन के साथ या एडवर्ब के साथ मिलकर जब फ्रेजल वर्ब का निर्माण करती है तो वो अलग अर्थ में प्रयुक्त होती है, तो यहां पुट ऑन मिलकर एक फ्रेजल वर्ब बन रही है जिसका अलग अर्थ हो गया पहनना। Someone broke into my house yesterday। यहां वर्ब प्रयुक्त हो रही है broke। अकेले नहीं आ रही, अपने साथ एक प्रीपोजिशन लेकर आ रही है into।
अब ब्रोक का मतलब होता है तोड़ना, वैसे अब इसके साथ इनटू और जुड़ गया, ये तो सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस है, इसलिए ब्रेक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है सेंध मार कर अंदर घुसना, जबरदस्ती से तोड़ फोड़ करके किसी मकान में या कहीं पर चोरी के या अन्य किसी उद्देश्य से अंदर प्रवेश करना। तो यहाँ भी वास्तविक अर्थ से बिल्कुल अलग अर्थ यहाँ पर निकल रहा है, यहाँ भी एक नई फ्रेजल वर्ब का निर्माण हो रहा है। तो ये वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और बिल्कुल अलग अर्थ निकल गया उसका, सेंधमारी करके प्रवेश करना, अब फ्रेजल वर्ब्स ही मेन वर्ब का काम करेगी यहाँ, इस ये मतलब नहीं है कि फ्रेजल वर्ब्स अलग होती है और मेन वर्ब्स होती है, वाक्य में नॉर्मल वर्ब की तरह होती है, वही होती है मेन वर्ब, होती फ्रेजल है वो अपने साथ कोई प्रीपोजिशन या कोई एडवर्ब लेती है लेकिन मेन वर्ब का ही काम करती है। ही टुक ऑफ हिज हैट एंड शोड मी हिज न्यू हेयर स्टाइल, यहाँ वर्ब आ रही है टुक और इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ, टुक टेक, टेक का मतलब लेना या ग्रहण करना, लेकिन यहाँ क्या अर्थ दे रहा है, हटाना, उसने अपनी टोपी हटाई और मुझे अपनी नई हेयर स्टाइल बताई। तो ये है फ्रेजल वर्ब्स। तो बहुत सारी मेन वर्ब्स हैं जो अपने साथ अलग अलग प्रीपोजिशन और अलग अलग एडवर्ब लेकर बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स का निर्माण करती हैं। ये एक अलग से डिटेल में टॉपिक अपन कभी एक आगे वीडियो में लेंगे, काफ़ी विस्तार वाला है, बहुत सारी मेन वर्ब्स से बहुत सारी सैकड़ों और फिर उनसे फिर सैकड़ों और फ्रेजल वर्ब्स बनती है, इसका एक डिटेल में अलग से वीडियो लेकर आएंगे। नेक्स्ट है अपने कोजेटिव वर्ब्स, कारणवाचक क्रियाएं। ये क्या होती है कोजेटिव वर्ब्स, When the subject does not perform the action himself, but rather takes help or ask or face or manage another person to perform that action, we use cogitive verbs. जब subject स्वयं कार्य नहीं करके किसी दूसरे व्यक्ति पर दबाव डाल करके उसकी सहायता लेकर के जैसे तैसे करके दूसरे व्यक्ति से अगर काम करवा रहा है तो उस स्थिति में हम कोजेटिव वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। ए कोजेटिव वर्ब कैन बी इन एनी टेंस, कोजेटिव वर्ब किसी भी टेंस में हो सकती है, किसी भी रूप में, टेंस जो 12 रूप है टेंस के वो किसी भी रूप में हो सकती है, एंड फॉलोड बाई एन ऑब्जेक्ट एंड ए वर्ब फॉर्म, लेकिन कोजेटिव वर्ब के बाद में एक ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बाद में एक वर्ब होगी और वो वर्ब क्या हो सकती है, विच कैन बी इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। कोजेटिव वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होगी वो इन्फिनिटिव होगी या पार्टिसिपल होगा। अभी इससे पहले अपन ने पढ़ा था नॉन फाइनाइट्स, उसमें ये पढ़े थे इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल होगा, और ये पार्टिसिपल और मिलकर के ये पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव जो भी होगा वो क्या करेगा, डिस्क्राइब द रिजल्टिंग एक्शन द सब्जेक्ट हैज गॉट डन, सब्जेक्ट ने जो कार्य करवाया है उसके बारे में अपने को सूचना देने का काम करेगी। अब कुछ जो प्रमुख है, चार पांच ही है प्रमुख कोजेटिव वर्ब्स, कौन कौन सी है, हैव, मेक, कोज, गेट, लेट। अब इनका प्रयोग कैसे होता है देखते हैं आगे। जो कोजेटिव वर्ब्स होती हैं उनके प्रयोग में अपने को कुछ ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जब एक्टिव हो इसका वाक्य हो यानी जब साधारण वाक्य हो टेंस वाले वाक्य हो तो उस वर्ब के लिए अपन को जो ये अपने वर्ब्स हैं कोजेटिव वर्ब्स हैं उनके लिए प्राय मेक और कोज जो कोजेटिव वर्ब है उनका प्रयोग करते हैं। एक्टिव वॉइस के वाक्यों के लिए कोजेटिव वर्ब्स के रूप में प्राय हम किसका प्रयोग करते हैं, मेक का
या कोज का। अब अपन ने अभी देखा था कि जो कोजेटिव वर्ब्स होती हैं उनमें कोजेटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट होता है और फिर मेन वर्ब होती है, तो मेन वर्ब इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बेर इन्फिनिटिव कहलाता है, और वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला इन्फिनिटिव कहलाता है, या फिर पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। तो यहाँ जब मेक और कोज का प्रयोग अपन करेंगे तो इनके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। अब इन्फिनिटिव के प्रयोग में आपको सावधानी रखनी है। क्या सावधानी रखनी है? कि जब हम कोजेटिव वर्ब के रूप में यदि मेक का प्रयोग कर रहे हैं, मेक के बाद मेन वर्ब में टू का प्रयोग नहीं करते हैं। कोजेटिव वर्ब मेक का प्रयोग किया है तो मेन वर्ब अकेली आएगी, टू नहीं आएगी, यानी बेर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, टू नहीं आएगी, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यदि अपन ने उसी में कोज का प्रयोग किया है तो वहां पर इन्फिनिटिव का टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कोजेटिव के इसमें, आपको जब पैसिव वॉइस का वाक्य हो, कोजेटिव वर्ब का प्रयोग करते हो जब पैसिव वॉइस का वाक्य बना रहे हो, तो प्राय गेट या हैव का प्रयोग कोजेटिव वर्ब के रूप में वहां पर किया जाता है। यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, कोजेटिव वर्ब्स पैसिव वॉइस में गेट या हैव का प्रयोग कर रहे हैं तो इनके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब आएगी वो कैसी होगी, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग क्यों होगा, क्योंकि अपन यहाँ पैसिव का निर्माण कर रहे हैं, पैसिव वॉइस का बात कर रहे हैं, इसलिए कोजेटिव वर्ब तो किसी भी टेंस में हो सकती है, लेकिन बाद में जब पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो थर्ड फॉर्म अपने को हर हालत में चाहिए, तो वो जो मेन वर्ब की होगी वो थर्ड फॉर्म होगी। ये आपको दो सावधानियां यहाँ पर रखनी है। जैसे यहाँ देखेंगे, अंकित मेड ममता वीप। कोजेटिव वर्ब्स की डेफिनेशन अपन ने क्या देखी थी, सब्जेक्ट स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि दूसरे पर आरोपित होता है, वो दूसरे के द्वारा उस पर दबाव डाल करके मैनेज करके कैसे भी करके वो कार्य करवाया जाता है। अंकित मेड ममता वीप, अंकित ने ममता को रुलाया, ममता नहीं रोई उसे रुलाया गया। किसने रुलाया, अंकित ने। अब काम रोने का हो रहा है, अंकित ने नहीं रुलाया, अंकित ने रुलाया लेकिन रू वो खुद नहीं रो रहा है, कौन रो रही है, ममता। तो सब्जेक्ट स्वयं कार्य नहीं कर रहा है बल्कि करवा रहा है किसी और से, तब हम कोजेटिव का प्रयोग, कोजेटिव वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है, तो अपन ने अभी ऊपर देखा था कि मेक और कोज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ मेक ये पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है, अंकित ने ममता को रुलाया, पास्ट सिंपल टेंस है, इसलिए मेक की सेकंड फॉर्म मेड का प्रयोग किया अपन। ये कोजेटिव वर्ब, अपन ने अभी नियम पढ़ा था कि कोजेटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेक के साथ आपको क्या करना है, अभी ऊपर देखा था अपने, मेक के साथ मेन वर्ब में टू का प्रयोग नहीं है, केवल बेर इन्फिनिटिव, जहाँ टू नहीं होता है उसको बेर इन्फिनिटिव बोलते हैं, तो उसका प्रयोग किया अपन ने बिल्कुल नियम के अनुसार, सब्जेक्ट फिर कोजेटिव वर्ब। कोजेटिव वर्ब अपन ने पढ़ा किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ये पास्ट इंडेफिनेट सेकेंड फॉर्म में है, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद ये बेर इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है, यानी सब्जेक्ट स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि किसी और से करवाता है। जैसे अंकित ने ममता को रुलाया, सब्जेक्ट अंकित है लेकिन वो खुद नहीं रो रहा है और ममता रो रही है, उसने रोने का कार्य खुद नहीं करके ममता से करवाया। तो ऐसे वाक्यों में अपन कोजेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे अब यही वाक्य है, यदि हम इसमें कोज का प्रयोग करेंगे, वहां मेक का क्या था, तो थोड़ा सा बस इतना सा ध्यान रखना है, यहाँ बेर इन्फिनिटिव यानी केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया था अपन ने, यहाँ अगर अपन कोज ले रहे हैं तो आपको इन्फिनिटिव टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। अंकित कोज्ड ममता टू वीप, वही अर्थ है, अंकित ने ममता को रुलाया लेकिन
कोजेटिव वर्ब का फर्क है, ये आपको ध्यान रखना है। पैसे हो इसमें क्या ध्यान रखना, आपने को अभी देखा था अपन ने, गेट दिस वर्क डन बाय पुनीत, ये पैसे हो इसका वाक्य है, सीधा ही पता चल गया आपको कि थर्ड फॉर्म है बाय पुनीत। यह कार्य पुनीत से करवाओ, तुम मत करो, कहने का मतलब तुम मत करो, किसी और से करवाओ, ये कहा जा रहा है। पैसे हो इसका वाक्य है, तो पैसे वॉइस में अपन ने क्या पढ़ा, यूजुअली गेट और हैव का कोजेटिव वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, तो यहां अपन ने गेट का प्रयोग किया है। और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद अपन ने बात करी थी पैसे वॉइस के वाक्य में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा पास्ट पार्टिसिपल का, ये डू की थर्ड फॉर्म है, तो ये थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहां पर अपन ने किया है। आई गोट फूड कुक्ड बाई हर, मैंने उससे खाना पकवाया, खुद नहीं पकाया, उससे पकवाया, पैसे हो इसका वाक्य है, तो पकवाया पास्ट सिंपल टेंस है, तो यहाँ गेट की सेकंड फॉर्म गोट का प्रयोग किया है। कोजेटिव वर्ब्स किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आपको सावधानी एक्टिव और पैसे हो इसका ध्यान रखना है, तो ये तो पास्ट सिंपल में है, इसके बाद ये पैसे फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म आएगी, ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाद थर्ड फॉर्म, बाकी तो पैसे हो इसके नेम है। तो कोजेटिव वर्ब्स का प्रयोग कब करते हैं अपन, आपको तो सिंपल से एक बात ध्यान रखनी है, जब सब्जेक्ट स्वयं कार्य नहीं करके किसी और से करवाता है तब अपन कोजेटिव वर्ब, जो मुख्य रूप से पांच है, कौन कौन सी, मेक, कोज, हैव, गेट और लेट, इन पांचों का प्रयोग आपको इन बताए गए नियमों के अनुसार करना है। लास्ट और अंतिम अपनी जो है जो अदर टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ रहे थे उसमें है स्टेटिव वर्ब्स, स्थिति सूचक क्रियाएं। द वर्ब्स दैट एक्सप्रेस स्टेट रदर देन एन एक्शन आर कॉल्ड स्टेटिव वर्ब्स, कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो एक्शन कार्य को नहीं बता करके किसी स्टेट को यानी किसी स्थिति को किसी दशा को या अवस्था को बताती है, तो उस समय ये क्या कहलाती है, स्टेटिव वर्ब्स कहलाती है, होती वो एक्शन वर्ब मेन वर्ब से होती है लेकिन एक्शन का काम नहीं करते हुए किसी स्थिति को बताती है। अब वो स्थितियाँ क्या हो सकती है, दे यूजुअली रिलेट टू थॉट्स, इमोशंस, रिलेशनशिप, सेंसेस, स्टेट्स ऑफ बीइंग एंड मेजरमेंट्स, वो जो स्थिति की बात कर रहे थे एक्शन नहीं बता करके कुछ स्टेट बताएंगे, उनमें क्या क्या हो सकता है, थॉट्स हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, अमूर्त जो होते हैं, इमोशंस भावनाएं हो सकती हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं, रिलेशनशिप्स आपसी संबंध हो सकते हैं, सेंसेस जो हमारे ज्ञानेंद्रिय द्वारा काम होते हैं, जो अपने सेंस हैं जैसे स्मेल है, हियर है आदि, वो हो सकते हैं, स्टेट्स ऑफ बीइंग अस्तित्व वाले हो सकते हैं, मेजरमेंट्स नाप तोल वाले हो सकते हैं, ये कुछ परिस्थितियाँ वो बताती हैं एक्शन नहीं बता करके, तो वो सारी वर्ब्स कहलाती हैं स्टेटिव वर्ब्स, स्थिति सूचक क्रियाएं। और ये विशेष रूप से कब, इनका विशेष अलग से प्रयोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दीज आर यूजुअली नॉट यूज इन द कंटिन्यूस फॉर्म, यही इनकी प्रमुख पहचान है कि ये मेन वर्ब होते हुए, अब मेन वर्ब तो 12 फॉर्म में हो सकती है तो उसमें से एक आईएनजी भी है, लेकिन इन जो वर्ब्स हैं ये स्टेटिव वर्ब्स, इनकी प्रमुख पहचान यही है कि ये प्राय कंटिन्यूस फॉर्म में आईएनजी फॉर्म में नहीं होती है। और जो प्रमुख हैं अपने, वैसे तो कुछ और भी हैं बहुत सारी हैं, लेकिन जो प्रमुख जनरली जो यूज में आती है वो कुछ यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे एग्री, बिलीव, इमेजिन, नाउ, थिंक, रिमेंबर, लाइक, लव, हेट, वॉन्ट, विश, प्रोमिस, एपियर, फील, हियर, लुक, सी, सीम, स्मेल, टेस्ट, बिलोंग, हैव, मीजर, पजेज, वेट, मीट, ईटीसी, ये कुछ हैं, इसके अलावा भी हैं पर प्राय जो जनरली ज़्यादा यूज में आती हैं वो ये स्टेटिव वर्ब्स हैं, ये जो अभी मैंने बोलकर आपको बताई, इन वर्ब्स का प्रयोग प्राय कंटिन्यूस फॉर्म में आईएनजी फॉर्म में नहीं किया जाता है। जैसे दिस कॉफी टेस्ट डिलीशियस,
ये कॉफी बड़ी स्वादिष्ट है। अब अपन कई बार ये बोल देते हैं कि ये हिंदी में ये कॉफी बहुत स्वादिष्ट लग रही है, लग रही है, तो कंटिन्यूस फॉर्म में लगेगा, आपको एनजी लगा देंगे, लेकिन यहाँ एनजी नहीं लगेगा इसमें। शी लव्स हिम, वह उससे प्रेम करती है। अब कर रही है वर्तमान में, तो भी अपन आईएनजी फॉर्म का प्रयोग, आपने कभी नहीं देखा होगा लविंग शब्द मेन वर्ब के रूप में नहीं देखा होगा आपने, तो ये आईएनजी फॉर्म मेन का कुछ परिस्थितियों में होता है, बाकी जनरली ये जो है अपनी बेस फॉर्म में रहती है। यू लुक हैंडसम, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो वैसे लगने में लग रहे हो तो हिंदी के हिसाब से कंटिन्यूस फॉर्म लगेगा आपको, लेकिन अंग्रेजी में लिखते समय अपन यू लुक हैंडसम ही कहेंगे, यू लुकिंग, यू आर लुकिंग हैंडसम नहीं कहेंगे, यू लुक हैंडसम कहेंगे। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जो ये कुछ थॉट्स बताती हैं, इमोशन आदि बताती है, रिलेशनशिप सेंसेस आदि, और आईएनजी फॉर्म में प्रयुक्त नहीं होती है, तो ये कहलाती है स्टेटिव वर्ब्स। ये थे दूसरा पार्ट अपन लेकर आए थे वर्ब्स का, काफ़ी डिटेल में इसलिए पढ़ा वर्ब्स को अपन ने, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का निर्माण वर्ब के बिना संभव नहीं है, इसलिए पहले भाग में अपने जो मुख्य प्रकार की वर्ब्स थी जो टेंस में इनमें काम में आती हैं वो अपन ने पढ़ा। इसके बाद जो विशेष प्रयोग में काम में आती हैं, अलग अलग अर्थों में काम में आती है, जैसे कॉजिटिव वर्ब्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, स्टेटिव वर्ब्स हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट और लिंकिंग वर्ब्स, ये अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से काम में आती हैं। तो इस वीडियो में हमने वो अलग अलग प्रकार की जो है वर्ब्स देखी। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, जल्दी आपके लिए एक दूसरा पार्ट्स ऑफ इसका वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।